जय अम्बे। फरवरी का महीना, गुप्त नवरात्रि, यह है त्रिकुट पर्वत जहाँ पर माँ वैष्णो रानी विराजमान है। आज हम दर्शन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं, सबसे पहले आपकी यहाँ पर जांच होती है सामान की, उसके पश्चात आप प्रस्थान करते हैं। यह है त्रिकुट पर्वत जिस पर माँ विराजमान है। करीब 12 किलोमीटर की दूरी है जो आपको पैदल तय करनी है। यहाँ से त्रिकुट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर माँ का लंगर चलता है, भंडारा चलता है। आपको प्रसाद यहाँ अवश्य लेनी चाहिए। यदि आपके पास पैसे हैं तो भी आप प्रसाद लें, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई अमीर व्यक्ति नहीं। यह है बाण गंगा। यहाँ की यात्रा शुरू करने से पहले भगवती बाण गंगा में आप स्नान करेंगे, फिर आप प्रवास शुरू कीजिए। यहाँ से यात्रा शुरू करने से ज़्यादातर लोग पैदल चलते हैं, लेकिन आपको यहाँ से एक लकड़ी लेनी चाहिए, 10 रुपये में मिल जाती है। और आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ घोड़े, उसके पश्चात ये छोटे बच्चों के लिए गाड़ी, सभी प्रकार की आपको व्यवस्था है यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अधिकांश लोग पैदल चलना ही पसंद करते हैं। जय माता दी के जयकारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बीच बीच में आप विश्राम भी ले सकते हैं। ये त्रिकुट पर्वत है। इस त्रिकुट पर्वत की चोटी पर माँ विराजमान है। कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर माता रानी विराजमान है। और आप सुबह से दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान करें तो यदि आप घोड़े से जाते हैं तो 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, और पैदल जाते हैं तो उसमें कुछ समय भी आपको लग सकता है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी कौन। तो बताया जाता है कि त्रेता युग में राक्षसी प्रवृत्ति से धर्मात्मा, साधु संत सभी प्रकार के लोग दुखी थे। तब भगवती महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सावित्री, गायत्री आदि महाशक्तियों ने एकत्रित होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे वैष्णवी कहा गया और जिसे आजकल हम वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। अब हम अर्धकुंवारी पहुँचे हैं, जिसे गर्भनाल के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर माँ ने, जैसे बच्चा माँ की के गर्भ में 9 मास तक पलता है, उसी प्रकार से भगवती पराम्बिका माँ वैष्णवी ने यहाँ पर 9 माह तक तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भनाल से जाना जाता है। हम करीब 6 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय कर चुके हैं और फरवरी का माह है, काफ़ी ठंड पड़ रही है, लेकिन माता रानी सबको शक्ति देती है। अब यहाँ से वैष्णो देवी करीब 6 किलोमीटर और शेष है। रास्ता कठिन है, लेकिन माँ सबको शक्ति देती है। हम जैसे जैसे माता रानी के करीब पहुँचते हैं, वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ होती है। और यहाँ पर जो ऊपर जो देखिए, रात को ये, अब हमको रात हो गई है, ये रात्रि का दृश्य है माता रानी के मंदिर का। लेकिन मंदिर तो गुफा में है, लेकिन बहुत ही भव्य नज़ारा है। माँ के दरबार में विशेष ध्यान रखें, आपके साथ में बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा कोई भी आपको एंट्री नहीं, ले जाने नहीं दिया है। यहाँ बहुत सख्त सारी व्यवस्था है और आपको इनकी पालना। ये है पीर पांजाल के पर्वत,
ऊपर आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बर्फ़ जमी हुई है। ये आपको हम रात का दृश्य बता रहे हैं। हालांकि यहाँ के सभी मंदिरों में कैमरे अलाउड नहीं है, कैमराओं से कोई फोटोग्राफी भगवान की या माँ की नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको वो फोटो तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में तीन पिंडियाँ है, ये देखिए ये बर्फ़ जमी है। अब वैष्णो देवी के दर्शन कर हम भैरव घाटी की ओर, रात्रि हमको यहीं विश्राम करना पड़ा था क्योंकि ये जो तापमान है वो 1 और 2 डिग्री तक पहुंच गया था। हमने यहाँ पर रात्रि गौरी निवास में विश्राम किया और अब हम भैरव घाटी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए बंदर वगैरह, ऐसा कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात यदि आप भैरव घाटी के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। सुबह सुबह चारों ओर बहुत बर्फ़ जम चुकी है लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है और लोग यहाँ पर पहुँच गए। ये भैरव घाटी भैरव जी के मंदिर पे हम पहुँच गए और ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। हनुमान जी और भैरव जी ये दोनों यहाँ पर विराजमान हैं और हमने यहाँ पर भैरव जी के दर्शन किए और उसके पश्चात हम वापस वैष्णो देवी न जाकर हम दूसरा रास्ता पकड़ेंगे और अर्धकुमारी होते हुए वापस कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे। हम बहुत थक चुके हैं, रात को सर्दी भी बहुत थी, लेकिन अब हम भैरव, ये देखिए पीर पांजाल की बर्फीली पहाड़ियाँ है, ये पीर पांजाल की बर्फीली पहाड़ियाँ आपको स्पष्ट, ये कटरा देखिए व्यू कितना सुंदर व्यू दिखता है और ये है हेलीपैड। यदि आप कटरा से वैष्णो देवी आना चाहें तो हेलीकॉप्टर के रास्ते भी आ सकते हैं। अब हम सांझी छत पहुंच गए हैं, सांझी छत नीचे हम उतर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है और हमको यहाँ पर चने और हलवा साइन बोर्ड की ओर से यहाँ पर प्रसाद के रूप में दिया गया। काफ़ी आनंद रहा यात्रा में और अब कुछ लोग यहाँ से उतर रहे हैं, हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। हम वापस नीचे उतर चुके हैं या इच्छापूर्ति महादेव के दर्शन कर वापस कटरा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी और ऊपर 6 किलोमीटर की दूरी पर माँ वैष्णो देवी और उसके ऊपर भी भैरव घाटी में एकदम खड़ी चढ़ाई हम पूर्ण कर वापस नीचे उतर चुके हैं, कटरा पहुंच चुके हैं। जय माता दी, आपकी यात्रा